हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिजीएस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज के बारे में हम जानेंगे। इसमें पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है, हम सभी को डिटेल में जानेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है, तो इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाषाण काल। तो पहले इसके पहले आप कुछ चीजें जान लीजिए, जैसे कि हिस्ट्री हम देख ही रहे हैं, तो इसमें लेखन के आधार पर हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को लेखन के आधार पर, यानी कि जब लेखन कला भाषा का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, तो लेखन के आधार पर भाषा को कितने, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ये देखते हैं। तो ये तीन भागों में बांटा जाता है लेखन के आधार पर इतिहास को। पहला है इसमें प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो यह ऐसा समय होता है जिसमें लेखन कला विकसित नहीं हुई है, यानी कि जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, किस प्रकार से भाषा या लिपि का कोई ज्ञान नहीं था मानव को। ये उस समय की बात है जब लिपि का ज्ञान नहीं था, और ये आता है पाषाण काल के अंतर्गत। पाषाण काल आता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। इस समय लेखन कला का कोई भी विकास नहीं हुआ था। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो ये लेखन काल के आधार पर हमने इसमें इसको बांटा है इतिहासकार ने। तो ये ध्यान रखना है आपको, लेखन परंतु अपठनीय। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इस पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लेखन कला विकसित तो थी, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आती है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ऐतिहासिक काल क्या है? तो इसके अंतर्गत जितने भी जो पठनीय लेखन किए गए हैं, जैसे कि आप वेद, साहित्य, ये सारी चीजें जो भी हैं, ये सब आएंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और ये वैदिक काल से प्रारंभ होकर अभी तक यानी वर्तमान समय तक है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और ऐतिहासिक काल क्या होता है। इसमें हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद दोनों थे, और इन्होंने 1863 में भारत में शुरू की डेट दी गई है ये। तो ध्यान रखना है, भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, इन्होंने क्या किया था? तो 1820 में सामग्री के आधार पर, यानी कि प्राप्त जो खुदाई की वस्तुएं होती हैं, जब खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिलती हैं, उस वस्तुओं के आधार पर पाषाण काल कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? ये क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने 1820 में किया था, प्राप्त खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और पुरातत्व सामग्रियों की जो काल, जो प्राप्त खुदाई से प्राप्त वस्तुएं होती हैं, उनकी काल गणना यानी समय का आकलन कैसे किया जाता है, समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो ये कार्बन-14 विधि के द्वारा लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब पाषाण काल का समय पीरियड क्या है, तो आप ये भी जान लीजिए। पूरा पाषाण काल का जो समय होता है वो 5 लाख से लेके 10,000 BC, यहाँ पे ध्यान देना है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। हर किताब में आपको अलग अलग समय दिया जाएगा, तो यहाँ पर मैं आगे दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ये, आप ये देख लीजिएगा, ये NCERT क्लास 12 हिस्ट्री के ये दिया गया है। तो ये जो पीरियड इसमें दिया है, ये हिस्ट्री NCERT का समय है, और बाकी जो मान्य पीरियड है, जो एवरेज हर किताबों में दिया जाता है, यहाँ पे मैंने वो समय काल लिखा हुआ है। बीसी का क्या मतलब होता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि जो ईसवी पूर्व लिखा जाता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का मतलब बीसी होता है। ये ध्यान रखना है, पूरा पाषाण काल 5 लाख से शुरू होकर 10,000 BC तक होता है, और मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 4,000 BC के बीच, और नव पाषाण काल
4000 से लेके 1000 BC के बीच होता है। तो यहाँ पर ये जो पाषाण काल है इसे 3 भागों में यहाँ पर बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये ध्यान रखना है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये तीनों काल और इनका यहाँ पर टाइम पीरियड, और यहाँ पर ये जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे ये जो किस किस हिसाब से इसे बांटा गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि खुदाई के अनुसार जो भी औजार मिलते गए, जो भी पत्थर के जो भी औजार मिल रहे थे, उन औजारों के जो मिलने का क्रम था, उसमें पहले कुछ मोटे मोटे औजार थे, उसके बाद में कुछ नुकीले औजार बनाए जाने लगे, तो उन औजारों के मिलने के क्रम में ही यहाँ पर इस काल का विभाजन किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, जो आदि मानव आपने सुना होगा, तो आदि मानव होते थे, तो ये उस समय की बात है, वो पाषाण काल के समय में आदि मानव ही हुआ करते थे। तो पूरा पाषाण काल जब लोग सिर्फ जानवरों को कच्चा खाते थे, घरों में नहीं रहते थे, सिर्फ जंगलों में रहते थे, तो ये उस समय की बात है। और ये यहाँ पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो बस इतना याद रखिएगा 3 भागों में, और इसे किस हिसाब से बांटा गया है। तो इस काल में जो था वो पत्थर जो होते थे वो थोड़े कम अच्छे होते थे, मोटे टाइप के बनाए जाते थे, और समय गुजरने के साथ मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में वो नुकीले बनाए जाने लगे, यानी कि और अच्छे तरीके से उनका यूज किया जा सके, इस हिसाब से उन्हें बनाया जाने लगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका विभाजन ध्यान रखिएगा और टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो समय दिया गया है, यहाँ पर ये NCERT का है, तो ये आप स्वयं देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए हैं, लेकिन इसमें मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये जो समय पीरियड होता है ये आगे पीछे किताबों में क्यों दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पर भीमबेटका में अगर मध्य पाषाण काल चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो असम वाला एरिया है इस समय वहां पर पूरा पाषाण काल का समय होता था। तो कुछ समय मानव पहले आ गए, जहाँ पहले रहने लगे वहां पे वो चीजें आगे आगे जाती रही, और यहाँ पर जहाँ पे लोग बाद में बसे और वहां पर ये यानी कि वो एरिया पीछे था। तो इसीलिए अगर किसी समय यहाँ पे नवपाषाण काल था तो असम आदि में पूरा पाषाण काल था। तो इसी हिसाब से आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी पूरी दुनिया मान लीजिए नष्ट हो जाए, तो दिल्ली का जो एरिया होगा वो इस समय ज्यादा विकसित होगा, और अगर यूपी या बिहार आज से 10,000 साल बाद खोदा जाएगा तो वो कम विकसित दिखाएगा, जो भी लोग उस समय खुदाई करेंगे पुरातत्वविद जो होंगे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, कुछ एरिया एक ही समय में कई प्रकार की विकसित अवस्थाएं होती हैं। तो एक समय में यहाँ पर नवपाषाण काल चल रहा होता है, तो कहीं पे पूरा पाषाण काल होता है, इसीलिए इन जो टाइम पीरियड है इसमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पाषाण काल से संबंधित अब हम जानकारियां देख लेते हैं। तो पहले पूरा पाषाण काल देखते हैं, इसके लक्षण क्या है। तो इस समय लोग क्या करते थे, तो लोग इस समय पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी थे, और ये खाद्य संग्राहक थे यानी कि शिकार करते थे, और जो भी खाद्य संग्रह होता था उसे खाते पीते रहते थे इकट्ठा करके। कौन कौन से औजार, किन औजारों का यूज करते थे ये लोग, तो ये ब्लेड, हैक्स, हैंड एक्स और क्लीवर, इस प्रकार के कुछ औजार थे जिनका ये यूज करते थे। और आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य पाषाण काल है, इस समय भी लोग आखेटक शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, और मध्य पाषाण काल से ही कृषि पशुपालन की शुरुआत हुई। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई है कृषि की और पशुपालन की वो मध्य पाषाण काल से हुई है। और इस समय के जो औजार हैं मध्य पाषाण काल के, उन्हें माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर का यानी जो माइक्रोलिथ कहा जाता है, और ये सूक्ष्म पत्थर के होते थे। मैंने बताया है समय के साथ में जो औजार थे वो नुकीले बनाए जाने लगे थे, और ये फ्लैग और ब्यूरिन आदि के होते थे। और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग होने लगा, यानी पूरा पाषाण काल में अगर लोग कच्चा मांस खाते थे तो मध्य पाषाण काल में वो लोग उसे पका कर खाने लगे थे। और अब हम देखते हैं नव पाषाण काल, नियोलिथिक, इसकी क्या विशेषता है। तो इसके जो लक्षण है वो इस समय में नव पाषाण काल में कृषि शुरू हो गई थी, लोग एक स्थान पे रह के निवास करने लगे थे, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी यानी पशु पालने लगे थे, और जो पहला जिस पशु को पहले पाला था मनुष्य ने वह पशु कुत्ता था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पहला पालतू पशु कुत्ता था।
तो यहाँ पे स्थायी निवास कृषि की जो विकास है वो नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक की एज में ही शुरू हुआ था, जब लोगों के पास यहाँ पर खेती की, पशुपालन की, खेती की शुरुआत कर दिया। तो खेती के लिए एक जगह पर 6-6 महीने का फसल होती थी, उन्हें एक जगह पे रहना पड़ता था, तो इस हिसाब से वो एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे। और यहाँ पर इसके औजार क्या क्या थे, तो स्लेट के बने होते थे, बेसाल्ट, और जो मुख्य औजार था वो कुल्हाड़ी था। और इस समय किस किस चीज का आविष्कार किया गया, तो पहिया, कृषि, और जो सामाजिक व्यवस्था थी, समाज था, यानी लोग एक इकट्ठा रहने लगे, थोड़े थोड़े और भी काफी लोग वहाँ परिवार बढ़ते गए, तो वो एक गांव बनता गया, तो गांव से समाज बन गया। नेक्स्ट, यहाँ पर इसके प्रमुख स्थल कौन है, पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन है वो भी जान लीजिए। तो पुरा का पाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल है, तो हथनौरा है, ये एमपी में स्थित है। यहाँ पर क्या पाया गया, तो भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हथनौरा से ही प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भीम बेटिका एमपी में है, नर्मदा घाटी में स्थित है, और यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीनों काल से प्राप्त हुए हैं, भीम बेटिका से यानी मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों से। और तीसरा है बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर तीनों काल के औजार पाए गए हैं। कहाँ पर, मिर्जापुर यूपी बेलन घाटी में। अब हम देखने वाले हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, तो इसमें पहला है बागौर, राजस्थान में स्थित है ये, और आदमगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ से इन दो स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, किस समय के, मध्य पाषाण काल के, बागौर और आदमगढ़ से। चोपनी मांडो यूपी में स्थित है, विश्व की सबसे प्राचीन मृद भांड यहीं से प्राप्त हुई है, चोपनी मांडो से, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यूपी के पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं वो भी जान लीजिए। यूपी में लेखिया स्थित है, बगाई खोर है, चोपनी है, मांडो, महदहा, सराय नाहर और दमदमा, ये सभी स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं और ये यूपी में है। अब हम देखने वाले हैं नियोलिथिक से संबंधित स्थल, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जितने भी स्थल इसमें मैंने लिखे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप एक एक स्थल को ध्यान से पढ़िएगा। जो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर, यहाँ से गर्द आवास पाया गया है, और इसके अलावा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया, कहाँ पर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। गुफ कराल ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। चिराद बिहार, यहाँ से हड्डी के बने कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। मेहरगढ़ पाकिस्तान, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और कोलिहवा यूपी में स्थित है, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना है, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जो कोलिहवा है यहाँ से यूपी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ, ये पत्थर के ये जो औजार हैं ये नवपाषाण काल से संबंधित हैं, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की चैत्र जो शैल चित्रकला होती थी वो विकसित की जाती थी, जब लोग गुफाओं में रहने लगे थे, थोड़ा नवपाषाण काल में खाने पीने की व्यवस्था हो गई थी, खाली टाइम रहता था, तो वो लोग कुछ चित्रकारी वगैरह करने लगे थे। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर ये पाषाण काल, नवपाषाण और महापाषाणिक स्थल हैं, कुछ आरंभिक गांव, आधुनिक नगर। तो यहाँ पे जैसे भीम बेटका मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये है हुसगी है, यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं हैं, और यहाँ पर ये ईमान गांव है, और मैंने अभी बताया था जो ये उत्तर प्रदेश का कोलही हवा, चिरान जो बिहार में स्थित है, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे इन सभी स्थल को आपको ध्यान रखना है, और ये असम का स्थल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।